सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेयरहेड। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका गेयरहेड चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं महिंद्रा का मराजो। तो आज हम इसका वॉक अराउंड करने वाले हैं, देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें। वैसे ये बता दूं, ये टॉप वेरियंट नहीं है, ये मराजो का M6 वेरियंट है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले सामने देखें तो कुछ इस तरीके से गाड़ी का डिज़ाइन है, देख सकते हैं। बहुत ही वाइड और बहुत ही बड़ी गाड़ी है ये, और 7 सीटर में ये गाड़ी आती है। सबसे पहले सामने से देखें तो कुछ इस तरीके से इसका लुक है। इसका ग्रिल में देख सकते हैं आपको क्रोम के एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसका हेडलाइट, तो देख सकते हैं आपको डुअल चैम्बर और जो है एक प्रोजेक्टर का सेटअप आपको देखने को इस गाड़ी में मिल जाएगा। फॉग लैंप आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। DRL आपको इस गाड़ी में जो है देखने को मिल जाएगा। और देख सकते हैं फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का है। अब बात करते हैं इसका मेन चीज़ें जो है कि इसका इंजन। सो दोस्तों, इस गाड़ी में आता है आपको 1500 cc का डीजल इंजन 4 सिलेंडर का, जो कि प्रोड्यूस करता है 121 bhp का पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो बढ़िया इंजन है, डीजल में आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, साइड से देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक है। अगर आप देखेंगे इसका विंड स्क्रीन का साइज़ तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही लार्ज इसका विंड स्क्रीन है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आधा दूर तक भी आपका जो है हाथ अच्छे से नहीं पहुँचेगा, इतना चौड़ी ये गाड़ी का साइज़ है। और साइड में देख सकते हैं इस गाड़ी में जो आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। टायर साइज की अगर हम बात करें 215/65 R16, यानी 16 इंच का जो है इस गाड़ी में टायर देखने को मिल जाएगा। और साइड से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लुक है। इसका गेट का भी अगर आप साइज़ देखोगे तो अच्छा खासा चौड़ा इस गाड़ी में गेट देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर जो है ORVM में लगा हुआ है, और बॉडी कलर का जो है ORVM देखने को मिल जाएगा। क्रोम का लाइन देख सकते हैं पूरे बॉडी में लगा हुआ है, और डोर हैंडल्स में देख सकते हैं इसमें भी जो है आपको क्रोम लगा हुआ मिल जाएगा। रियर में देख सकते हैं, रियर में भी आपको इस गाड़ी में जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और रियर का टायर का भी साइज़ सेम है, 215/65 R16, जैसा कि आगे का टायर है सेम वही साइज़ का रियर में भी टायर आपको गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। और ये सब जो है साइड स्कटिंग आप देख सकते हैं इस गाड़ी में लगा हुआ है, जहाँ तक ये एसेसरीज का पार्ट हो सकता है। सो साइड का लुक कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का देख सकते हैं, बहुत ही वाइड और बहुत ही लार्ज इस गाड़ी का है। लगभग 4.5 मीटर से भी जो है लंबी ये गाड़ी का साइज़ है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, तो देख सकते हैं पीछे में आपको जो है LED टाइप का दिखता है ये टेल लैंप, लेकिन LED है नहीं। अंदर में देख सकते हैं आपको बल्ब देखने को मिल जाएगा, और कुछ इस तरीके से रियर का इस गाड़ी में लुक आप देख सकते हैं। पीछे देख सकते हैं आपको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा, रियर में जो है वाइपर प्लेसमेंट किया हुआ है। ऊपर में देख सकते हैं नॉर्मल एंटीना मिलता है। वैसे कंपनी इस गाड़ी को बोलती थी कि ये जो है शार्क से इंस्पायर्ड है, तो मेरे ख्याल से इसको हर वेरिएंट में जो है शार्क फिन एंटीना देना चाहिए था, लेकिन इस गाड़ी में जो है शार्क फिन एंटीना देखने को नहीं मिलता है। देख सकते हैं रियर में क्रोम का एलिमेंट्स लगा हुआ है, यहाँ पे बड़ा सा महिंद्रा का लोगो है। साइड में देख सकते हैं आपको मराजो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। ये वेरियंट है जो कि M6 है, और यहाँ भी महिंद्रा लिखा हुआ दिख सकता है। रियर बम्पर देख सकते हैं आपको 4 सेंसर इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे, कोई भी कैमरा प्लेसमेंट इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके बूट के बारे में, तो आपको देख सकते हैं अगर आप सीट ऊपर कर लें तो आपको थोड़ा बहुत स्पेस जो है देखने को मिल जाएगा। कुछ इतना आपको बूट में स्पेस, अगर आप सीट को ऊपर रखते हैं तो आप देख सकते हैं इतना स्पेस आपको बूट में देखने को मिल जाएगा। एक ठोक लैंप दिया हुआ है बूट में, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रियर सीट का स्पेस है। यहाँ पे एक कप होल्डर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, और इस साइड में भी जो है कप होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। और लास्ट रो में भी आपको जो है डिसेंट स्पेस आप देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा, इस साइड में भी जो है आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा, और ऊपर में जो है लाइट का भी प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके साइड की तरफ, तो इधर जो है आपको डीजल का कैप देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी का जो डीजल टैंक का कैपेसिटी है वो 45 लीटर है, 45 लीटर जो है आप इस गाड़ी में डीजल डाल सकते हैं। और कंपनी का जो क्लेम्ड माइलेज है वो 17 km/L का माइलेज आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। ऊपर देख सकते हैं कोई भी आपको रूफ रेल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ कोई भी स्पॉयलर इस गाड़ी में लगा हुआ नहीं है। अब चलते हैं इसका सेकेंड रो में, तो जैसा कि आपको बता दूँ फ्रंट का जो सीट है मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके रख चुका हूँ, और कुछ इस तरीके से इसका सेकेंड रो का स्पेस है। और डोर देख सकते हैं, डोर का साइज़ बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, और एक पावर विंडो का ऑप्शन देख सकते हैं। क्रोम फिनिश में जो है इसका डोर हैंडल आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अंदर जाके देखते हैं कि कितने स्पेस इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है डिसेंट सा इसमें जो है आपको लेग रूम देखने को मिल जाएगा। हेडरूम की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक आपको हेडरूम भी देखने को मिल जाएगा। मेरी हाइट जो है 5 ft 10 in है, और अंडर थाई सपोर्ट भी इस गाड़ी में आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। अगर मेरे जैसे अगर 3 लोग बैठना चाहें तो इस गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं, आपको जो है एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मिड में जो सेंटर में दिया हुआ है इसका जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है।
एसी देख सकते हैं इस गाड़ी में, आपको सेंटर में कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। उसका कंट्रोल आप देख सकते हैं, यहाँ से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में जो एक एलईडी लाइट देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको डायरेक्ट और डिफ्यूज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है एक हैंडल आप देख सकते हैं, ग्रैब हैंडल सेम ऐसा ही आपको इस साइड भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक हुक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और ड्राइवर सीट का अगर हम बात करें सीट बेल्ट का, तो इसमें हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन देखने को दोनों ही तरफ नहीं मिलेगा। और फ्रंट का डैशबोर्ड का लुक देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। वैसे तो ये गाड़ी को लॉन्च हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी आप अगर डिज़ाइन को देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं लगेगा। ना तो आपको इसका स्टेयरिंग व्हील आउटडेटेड लगेगा, ना ही आपको इसका जो है म्यूजिक सिस्टम जो है आउटडेटेड देखने को लगेगा। तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको थोड़ा सा जगह दिया हुआ है। यहाँ पे एक जो है यूएसबी का जो है आपको चार्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेंटर में बात करें तो थोड़ा सा छोटा से हम पे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उससे कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन आप तीन लोग आराम से इस गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। अब चलते हैं इसके फ्रंट सीट की तरफ। खुल गया भाई, सो दोस्तों देख सकते हैं डोर हैंडल में जो है आपको कुछ भी इसमें कीलेस एंट्री का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में, तो सीट देख सकते हैं आपको जो है हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आर्मरेस्ट ड्राइवर में दिया हुआ है। ड्राइवर का डोर का अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आपको चारों पावर विंडो देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड जो है आपको ऑटो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ORVM जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड यहाँ से नहीं कर सकते। बॉटल होल्डर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा खासा स्पेस आपको जो है डोर पॉकेट में देखने को मिल जाएगा। अगर रियर डोर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो है आपको बॉटल स्पेस के साथ साथ अच्छा खासा स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। और स्पीकर का प्लेसमेंट भी जो है आपको रियर डोर में देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर की तरफ। तो इस गाड़ी में बहुत सी चीज़ यूनिक है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप बाकी गाड़ियों में देखे होंगे कि आपको यहाँ पे जो है सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन देख सकते हैं जहाँ की मिरर है, जिससे आप गाड़ी में कौन कौन बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, वो सब आप जो है यहाँ से बैठ के देख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है, जनरली आपको ये गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड यूनिक फीचर की अगर हम इस गाड़ी में बात करें तो वो है इसका हैंड ब्रेक। देख सकते हैं बाकी गाड़ियों में आपको ऐसा हैंड ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन जो है हैंड ब्रेक थोड़ा सा अलग है। इसको आपको अगर डिसएंगेज करना है तो नीचे में जो है आपको ऐसा बटन दिया हुआ है, उसका ऐसा प्रेस करके जो है आप इसको ऐसा नीचे कर सकते हैं, और ऐसा आप ऊपर उठाएंगे तो जो है हैंड ब्रेक एंगेज हो जाएगा। और चाबी की अगर हम बात करें तो जैसा महिंद्रा का बाकी गाड़ियों का चाबी आता है, सेम वैसे ही आपको इस गाड़ी का चाबी देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसका इग्निशन ऑन करें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इसका इग्निशन चालू हो गया है। और देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। इधर RPM मीटर दिया हुआ है, इधर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। और सेंटर में जो है जो भी फीचर्स आपको देख सकते हैं, यहाँ से आप ऑप्शन में जाके देख सकते हैं, यानी आपको स्टेयरिंग में जो है टॉगल करने के बटन यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसा कि ड्राइव इन्फॉर्मेशन हो गया, आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, वार्निंग हिस्ट्री देख सकते हैं, सर्विस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लॉक हो गया, फ्यूल कंप्यूटर हो गया, ट्रिप सेलेक्शन हो गया, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, ये सब फीचर जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इको का मोड देखने को मिल जाएगा। अगर आप इको मोड में चलेंगे तो जो आपका फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा। हेडलाइट का लेवल का जो है आपको एडजस्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका पूरा ओवरऑल डैशबोर्ड है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको थोड़ा सा सामान रखने के लिए डैशबोर्ड में जगह देखने को मिल जाएगा। ये पूरा डैशबोर्ड जो है ब्लैक और पियानो फिनिश में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। वहीं अगर हम बात करें इसका ग्लव बॉक्स, तो देख सकते हैं आपको अच्छा खासा इसमें स्पेस देखने को मिल जाएगा, और आप यहाँ पे एक पेन होल्डर भी देख सकते हैं। अब बात करें इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, म्यूजिक सिस्टम है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर हम होम में जाएंगे तो मीडिया, फ़ोन, इकोसेंस, नेविगेशन, कार इन्फॉर्मेशन, और स्लाइड करेंगे तो देख सकते हैं ये सब फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेटिंग में अगर हम जाके देखें तो देख सकते हैं आपको ये सब फीचर्स जो है आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे, यानी बेसिक जो भी फीचर्स है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एसी देख सकते हैं आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो नॉर्मल एसी वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी में जो आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको रिवर्स गियर लगाना है तो आपको क्लच दबा के इसको पुल करके कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा, और देख सकते हैं रियर का जो सेंसर है वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा गाड़ी है, और बहुत ही अच्छे खासे इस गाड़ी में फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप इसको नीचे करेंगे तो इसमें जो है आपको टिल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इंस्ट्रूमेंट और इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो भी कंट्रोल्स है वो आपको स्टीयरिंग व्हील में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि म्यूट का ऑप्शन हो गया, कॉल पिक करना है, कॉल काटना है, साउंड अप डाउन करना है, या सॉन्ग चेंज करना है, ट्रैक चेंज करना है, वो सब फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। और अगर एयरबैग की हम बात करें तो इस गाड़ी में जो है आपको 2 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। एक हो गया ड्राइवर के लिए और एक हो गया
को पैसेंजर के लिए। और स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस दिया हुआ है, आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं। एक 12 वोल्ट का चार्जर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और एक यूएसबी का ऑप्शन यहाँ नीचे में दिया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो सेंटर में भी जो है आपको देख सकते हैं दो कप होल्डर के साथ में जो है बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से इसका आर्म रेस्ट है जिसको आप कुछ इस तरीके से हटा सकते हैं। और लंबर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो को पैसेंजर में आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ड्राइवर का भी यहाँ पे देख सकते हैं लंबर सपोर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं फ्यूल का ऑप्शन आपको राइट में देखने को मिल जाएगा, इधर टेम्परेचर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और जो भी इंडिकेटर है जैसे कि हजार्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एयरबैग्स का जो भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो IRVM है इसको जो है आपको मैन्युअली डिम करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम हैंडल शो हो रहा होगा, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी इंक्वायरी करना है, कुछ भी क्वायरी करना है, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, चाहे वो महिंद्रा थार हो, स्कॉर्पियो हो, स्कॉर्पियो एन हो। अगर आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए है, अगर आप बाय करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय।